27 रुपए दर्जन। ये देखिए 27 रुपए दर्जन, 2.5 रुपए से भी कम पड़ेगा, जो कि 5 रुपए का बेचिए, 10 रुपए का बेचिए, आपकी इच्छा। ये 10-10 रुपए का सेल होता होगा, ये 10-10 रुपए का सेल हो जाता है। पड़ता 4 का भी नहीं है, पड़ता 4 का भी नहीं, 10 रुपए बेच दो, मतलब 2.5 रुपए का पड़ेगा, 5 का बेचिए, 10 का बेचिए, आपकी इच्छा। बॉल की तरह जितना भी पड़ेगा तो टूटेगा नहीं ये चीज। ये देखिए, मतलब देखिए मात्र 68 रुपए दर्जन पड़ रहा है, कितने का पड़ गया ये अपना? आपको 5 रुपए 60 पैसे का ये, मतलब ये वो वाला बोतल है ना जो आपको 10 रुपए का सेल में बेच देना, बेच के भी अच्छा कमा सकते हैं। आटा छन्नी मिल रहा है ना 5 रुपए से कम में मिल रहा है, 10 रुपए का सेल कर दीजिए आप। 2 रुपए 10 पैसे, 2.5 रुपए भी मिलेगा, 3 रुपए भी मिलेगा, 3 रुपए मिल जाएगा। गिरेगा तो टूटेगा तो नहीं? नहीं, एक बार दिखाइएगा। ये देखो, एक हमारे भाई भी आए हुए हैं, हम आपको उनसे मिलवाते हैं। जो हमसे जुड़ के उन्होंने काम शुरू करा था, मतलब नया काम स्टार्ट किया गया। हाँ जी, नया काम शुरू करा अंकल जी। हाँ जी, ये अंकल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये इनका ही बेटा है, इनके साथ आते हैं ये। तो हेलो अंकल जी, कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छे हैं, यहाँ से काम करके हम बहुत खुश हैं। तो कितने दिन से जुड़े हुए हैं यहाँ से? आते भर तो हो ही गया, मान लो अभी नया स्टार्टिंग मेरा काम है। आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ, देखने में प्रॉब्लम है ही है, पूरे 100% मैं ब्लाइंड हूँ जी। मेरे साथ बच्चा रहता है, मैं बच्चे को लेकर के काम करता हूँ। तो कोई काम करने में दिक्कत तो नहीं हो रहा आपको? ये वाला कोई दिक्कत नहीं है, माल जो सर बताते हैं वो देते हैं ना उस रेट में? वो देते हैं उस रेट में, और उस रेट में जाके मैं भी निकालता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है ना, काम चल रहा है ना? प्रॉफिट सही है। ठीक है सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल आर के ब्लॉग्स में। आज मैं आपको सदर बाजार के बहुत ही फेमस शॉप पर लेकर आ गया हूँ। आज मैं आपको जो बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ ना, वो बहुत कम से कम पूंजी में स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर आपको 5 का सेल लगाना हो या फिर 10 का सेल लगाना हो, ये देखिए इस टाइप का, जैसे आपको कंघी बेचना हो तो मात्र 5 रुपए का सेल में लगा सकते हैं। इसमें आपको क्या है ना, जूना बेच सकते हैं, मग्गा बेच सकते हैं, फिर देखिए खिलौना है, बच्चे का खिलौना बेच सकते हैं। ये देखिए इस टाइप का ब्रश है ना, 5 रुपए का सेल में बेच सकते हैं। जैसे इस टाइप का कंघा, ये देखिए 5-5 रुपए का सेल लगाना है ना, 5 रुपए का सेल लगा सकते हैं। बहुत सारे कलेक्शन है, जैसे यहाँ पे हजारों वैरायटी आपको इनके पास मिल जाएगा, जो कि आप 5 रुपए का सेल लगा के है ना, आधा से ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, दुगना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और बात करें जैसे अगर आपको व्यापार शुरू करना है, कितने से स्टार्ट हो जाएगा? मात्र 10,000 रुपए से व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये देखिए पार्सल जाता है इस तरह से यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, ऑल ओवर इंडिया आप यहाँ पे घर बैठे अपना माल मंगा सकते हैं। अगर शॉप में विजिट करना है ना, शॉप में विजिट भी कर सकते हैं, आपको एड्रेस मिल जाएगा। ये देखिए बोतल, गर्मी आ रहा है, अब गर्मी में क्या है ना, बोतल का बहुत डिमांड हो सकता है। ये ऊपर देखिए यहाँ पे बोतल ही बोतल देखने को मिल जाएगा, 20 रुपए का सेल में बोतल बिकता है, 10 रुपए के सेल में बोतल बिकता है। सारा कुछ दिखाने वाले, सबका प्राइस बताने वाले, बस करना कि आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ शॉप के ओनर से। जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया भैया, आप बताइए। भैया मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या कॉन्सेप्ट आप लेकर आ गए इस बार? इस बार का कॉन्सेप्ट, जैसे कि पिछली बार के बंदे हमें जानते ही है, हमारी प्लास्टिक दुकान का नाम है, सदर बाजार में लोकेट करते हैं काफी टाइम से। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, एक ट्रस्टेबल शॉप है, जो दिखाएंगे प्राइस उसी प्राइस में मिलेगा, जो माल बताएंगे वही माल मिलेगा, है ना? हाँ जी। तो भैया क्या वेरायटी ला रहे हैं 5 रुपए 10 रुपए में बेचने के लिए? ब्रश स्टैंड, प्लास्टिक जूना, की चेन, कंघे, चिराग, ओके, टंग क्लीनर, एवरीथिंग, मतलब बहुत कुछ मिलेगा। जैसे ये देखिए चाबी रिंग का है ना, बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे। कंघी चाहिए कंघी मिलेगा, ब्रश चाहिए ब्रश मिल जाएगा। तो कितने से स्टार्ट करने वाले हैं? ये जी की शुरुआती प्राइस है, ये जुवली कंघी आती है 1.5 रुपए पीस, 18 रुपए दर्जन, मात्र 1.5 रुपए का, मात्र 1.5 रुपए। कितने का सेल हो जाएगा? 5 रुपए का, 5 रुपए में सेल आउट करो, मतलब तिगुना प्रॉफिट है, तिगुना प्रॉफिट। किसी में तिगुना भी है, किसी में दुगना भी है, किसी में 2 रुपए भी मिलते, किसी में 1 रुपए, ये ना मिक्स होके माल बनता है। जैसे यहाँ पे चाबी रिंग रखा हुआ है, हाँ जी, तो क्या प्राइस क्या है इसका? मात्र 25 रुपए दर्जन। आपको स्माइली वाला डिजाइन मिल जाएगा, ये देखिए टेडी बेयर में चाहिए टेडी बेयर में मिल जाएगा। बहुत सारे वैरायटी है जो कि सेम प्राइस में होने वाला, मात्र 25 रुपए दर्जन। कोई सा भी की चेन उठाओ, 2 रुपए कुछ पैसा पड़ेगा, 2 रुपए 10 पैसा, जो कि 5 रुपए का सेल होता है, 5 रुपए का सेल होता है। अब जैसे आगे वैरायटी हम लोग देखते रहते हैं, जैसे की ये है भैया, मात्र 2.5 रुपए का पीस, 2.5 रुपए का, 2.5 रुपए, ठीक है, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए में, मात्र 27 रुपए दर्जन। तो सारे भगवान के मिल जाएंगे, सारे भगवान के मिल जाएंगे, मिक्स आएंगे। ये देखिए कितने का बताए, 27 रुपए दर्जन। ये देखिए 27 रुपए दर्जन, 2.5 रुपए से भी कम पड़ेगा, जो कि 5 रुपए का बेचिए, 10 रुपए का बेचिए, आपकी इच्छा। बाकी ये देखिए इस टाइप का रेजर है, रेजर मिल जाएगा आपको उनके पास। क्या प्राइस है सर इसका? रेजर भी 20 पीस का डब्बा आता है 40 रुपए का, 2 रुपए पीस पड़ता है, 2 रुपए का, मात्र 2 रुपए। देखिए 5 रुपए का सेल कीजिए, 10 का सेल कीजिए। अब जैसे ये देखिए आपको टंग क्लीनर चाहिए जिब्बी में, क्या प्राइस है सर? यकीन नहीं करोगे भैया, मात्र 22 रुपए दर्जन, 22 रुपए दर्जन मात्र। ये चौड़ा वाला, हाँ जी, एक आता है पतले वाला आता है, लेकिन ये चौड़ा वाला चीज है, और प्राइस होगा मात्र 22 रुपए दर्जन। अब ये सब क्या रखा हुआ है यहाँ पे? पिलर है क्या ये? भैया चाकू पिलर है, ये देखिए 10 में सेल आउट होते हैं, 10 रुपए का सेल है।
ये भी बिया, इसमें भी मुनाफा अच्छा है, मात्र 55 रुपए दर्जन। 5 रुपए वैसे भी सस्ता पड़ा, 10 रुपए में बेचना है, मतलब 5-5 रुपए का पड़ेगा, 10-10 रुपए का सेल हो जाएगा। जैसे ये सब देखिए, फुहारा वाला बहुत डिमांड में रहता है, ये वही है ना जो नल में लगता है? हाँ जी, ये वही है जो नल में। क्या प्राइस क्या सर इसका? मात्र 56 रुपए दर्जन। 56 रुपए दर्जन। अब जैसे यहाँ पे देखिए, टूथपिक मिल जाएगा आपको, बड्स मिल जाएगा। बड्स क्या रेट है सर? देखिए बड्स की शुरुआती प्राइस है भैया ये है भाई, ये आते भैया 2 रुपए का पैकेट पड़ता है, 24 रुपए दर्जन। कौन सा? ये लकड़ी का पाइप? ये भैया लकड़ी का, और लकड़ी और गत्ता मिक्स होता है, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल लकड़ी चाहिए, देखो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये आता है 28 रुपए दर्जन। ये पूरा लकड़ी का? ये पूरा लकड़ी का। 2.5 रुपए का पड़ेगा मैक्सिमम, 2.5 रुपए से भी सस्ता, 2.5 रुपए से भी सस्ता। हाँ जी, ये देखिए 5 का बेचिए, दुगना तो आम बात है बिल्कुल। अगर चाइना का ले तो जिसकी ये चाइना का आता है, ये इम्पोर्टेड वाला, ये इम्पोर्टेड है, ये 90 रुपए दर्जन है, ये 10 की सेल में जाता है, ठीक है। लेकिन काफी सारे बंदे यही 28 वाले ले जाके बेच देते हैं, 5 का जिसको बेचना यही बेचेगा। हाँ जी, अब क्या दिखा रहे हैं इसके बाद? आप ये देख सकते हैं चाकू पे ला रहा है। चाकू में देखिए बहुत सारे वैरायटी है इनके पास। ये वाला कितने का सर? ये में 45 रुपए दर्जन आएगा, 5 की सेल में आता है जी, 45 रुपए का। 45 रुपए एक आते, इससे बड़े साइज में जो 10 में बिकता है वो आता है 72 रुपए का। अब स्कॉच रखा हुआ, स्कॉच में क्या रेट है ये सर? ये भी जैसे की ये आप देख सकते इसपे पारस लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर वाला, ठीक है। ये 120 रुपए दर्जन आता है, 20 रुपए की सेल की आइटम है। ये सिल्की जिसपे लिखा हुआ है, ये बढ़िया क्वालिटी के अंदर है, 5.5 रुपए का पीस पड़ता है, 5.5 का। हाँ जी, मतलब 10 का आराम से सेल होगा, 10 का आराम से सेल होगा। कितनी वैरायटी लगता है मेरे को? बहुत वैरायटी होगा भैया, आपके सामने ही है, आप कैमरे में दिखा सकते हो हर बंदे को। मेरे पास इतनी सारी आइटम है, अगर मैं सारी दिखाने पर आऊंगा तो कम से कम 2-2.5 घंटे की मूवी बन जाएगी। तो घर बैठे मंगा सकते हैं ना? घर बैठे बंदा मंगा सकता है। तो जैसे ये पार्सल है, कितने में तैयार हो गया? ये भी 13,000 रुपए का पार्सल, मात्र 13,000 रुपए में। हाँ जी, इतना बड़ा पार्सल। हाँ जी, सारा मिक्स है इसमें आइटम, सारा माल मिक्स है, मतलब कि एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा ना 13,000 में? हाँ जी, हो सकता है आसानी से। बाकी 10,000 का माल मंगा सकते हैं? बाकी आप 10,000 का माल मंगा सकते हो। सर क्या रेट है सर इसका? सर भैया ये ना 25 रुपए दर्जन से शुरुआत होती है, ये थोड़ी हैवी क्वालिटी का, 30 रुपए दर्जन वाला है, ठीक है। मतलब फिर भी 2.5 रुपए का अच्छा क्वालिटी, 2.5 रुपए में अच्छा क्वालिटी मिलेगा। फिर इससे बढ़िया जाओगे 3 रुपए का आएगा, उससे और बढ़िया में जाओगे तो 5 रुपए का आएगा। अब जैसे यहाँ पे हेयर बैंड दिख रहा है, ये सब बेच लेंगे क्या 5-5 रुपए 10 रुपए में? सर मात्र 30 रुपए दर्जन है। 30 रुपए दर्जन। अब सामने वाले पे डिपेंड करता है कि 5 का बेचे 10 का बेचे, मतलब 2.5 रुपए का पड़ेगा, 5 का बेचिए 10 का बेचिए आपकी इच्छा। हाँ जी, और इसमें भी बहुत सारे डिजाइन है, देखिए इस टाइप का आपको क्रॉस वाले में मिल जाएगा, प्लेन वाले मिल जाएगा, डिजाइन वाला मिल जाएगा, नग वाला ये महंगा होगा थोड़ा। सेम क्या बात, 30 रुपए। ये देखिए, ये भी 30 का है, ये भी आप 5 रुपए में बेच सकते हैं। और ये क्लेचर कितने का? 30 रुपए। 30 रुपए कुछ भी लो 30 रुपए। इस खाने में जो कुछ भी सामान रखा हुआ है सब 30 रुपए। 30 रुपए का। अब जैसे ये सब रखा हुआ, ये सब क्या रेट है सर? ये भी 40 रुपए आती है, ब्रुशदानी 40 रुपए दर्जन का रेट बता, दर्जन का प्राइस बता रहे हैं। ये देखिए, मतलब 3.5 रुपए पीस पड़ेगा, उससे कम ही पड़ेगा 3.5 रुपए का। अब देखिए बॉयलर आदमी हल्का होता है, हल्का होता है, 3.5 में क्या मिलेगा? सही बात है। अब 5 रुपए का बेच दिए, 10 का बेच दिए, जैसा इच्छा करे बेच दिए, इसमें बढ़िया क्वालिटी भी मिलेगा। उस पे तो हम माल की गारंटी भी लेते हैं, आप ये देख सकते हो, मतलब बढ़िया क्वालिटी भी रखे हुए हैं। हाँ जी, ये क्या रेट है फिर? ये भैया मात्र 44 रुपए, 4 रुपए का फर्क है। ये देखिए दर्जन में, वो भी 4 रुपए का। हाँ हाँ, और फ्रेश का आइटम है, जैसे मर्जी तोड़ मोड़ लो, कुछ प्रेशर बॉल की तरह इस्तेमाल करो, कुछ नहीं जाएगा इसका। और कलर सारे मिक्स होंगे जिसमें भी होंगे। हाँ जी, यहाँ पे साबुनदानी रखा हुआ, ये तो क्या रेट है? ये 2 कम चार्ज 38 रुपीज। ये लटकाने वाला है ना? लटकाने वाला। कितना बताएं? 38 रुपीज, यानी कि वही 3 रुपए, 3 रुपए समथिंग पड़ गया, 3.25 रुपए क्या रहा हूँ। और ये सब 10-10 रुपए का सेल होता है? 10 रुपए में सेल हो जाता है ये आसानी से। और जैसे कोई पूजा वाला बेचना चाहता है ना, पूजा पाठ के लिए, जैसे ये देखिए अगरबत्ती स्टैंड हो गया, फिर जोत वाला हो गया, ये सब क्या रेट है? मात्र 40 रुपए दर्जन। 40 रुपए दर्जन में। हाँ जी, ये देखिए जो भी बताएंगे दर्जन का रेट बताएंगे आपको। ये क्या है, गुल्लक है क्या? ये भी एक गुल्लक आएगी। ये गुल्लक लेकिन उनके लिए जो शॉप पर आके लोकल माल लेके जाते, कोई दिल्ली से देख रहा है तो वो इसको इजीली लेके जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये अगर हम इसका पार्सल बनाएंगे, ये पापड़ हो जाएगा, माल जाएगा, बेचारे का नुकसान हो जाएगा। मतलब जो देंगे बता के देंगे क्या? जो देंगे बता के देंगे। अब ये बंदा माल इजीली नहीं हर जगह लेकर जा सकता, ये नाजुक आइटम है। ये देखिए अपने हाथ से आप ले जा सकते हैं, ये ट्रांसपोर्ट। अगर आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं तो वेल एंड गुड है। क्या रेट है? 40 रुपए दर्जन। 40 रुपए। छन्नी कितने से स्टार्ट कर रहा है सर? जेन्युइन प्राइस 25 रुपए। 25 रुपए ये एक नंबर चाय छन्नी है। बंदे आपको बाहर 12 रुपए 18 रुपए में बेचते हुए मिलेंगे। तो बाहर नहीं देता है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, जो 12 रुपए 18 रुपए बेच रहे हैं ना, आप उनसे खरीदो 20 रुपए दर्जन में मेरे को बेच जाओ। ये देखिए, मतलब कि आप तो पूरा एकदम चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूँ मैं, जिंदा चैलेंज है उन सभी को जो 18 रुपए 12 रुपए बेच रहे हैं। ये देखिए 20 रुपए में मेरे को बेच जाओ, वही 12 रुपए तो वो लोग क्यों बोलता, देता नहीं है क्या भैया? जितने भी वो बंदे, आप उनके कमेंट्स पढ़िएगा,
सभी में लिखा होगा फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है। जी जी। माल आप वहाँ पे बोलोगे मिलेगा कुछ, और जो मार्केट है ना, मार्केट के हर 10 कदम में पर्दा लगा रखा हुआ है कि दलालों से सावधान, अपना माल स्वयं पैक कराए। मतलब ऐसा ऐसा पर्चा लगा हुआ है वहाँ पे, दिल्ली पुलिस का पर्चा लगा हुआ है। ये देखिए, मतलब वहाँ पे आप अपने खुद सावधान रहिए। इसमें क्या 2 नंबर 3 नंबर? इसके अंदर 2 नंबर भी मिलता है, जिसके 2 नंबर 35 रूपए, ठीक है, ये 3 नंबर 45 रूपए, ये 10-10 रूपए का सेल होता होगा, ये 10-10 रूपए का सेल हो जाता है। पड़ता 4 का भी नहीं है, पड़ता 4 का भी नहीं, 10 रूपए में बेच दो। अगर जैसे की है, मैं बाउल की बात करूं, जी ये बाउल आएगा 45 रूपए दर्जन। बंदे 5 रूपए में बेचते, 10 में भी बेचते हैं। क्वालिटी कैसा, सही है ना? ये बिल्कुल फ्रेश का क्वालिटी है, भारी लग रहा है वैसे। 10 का तो आराम से सेल होगा ये, आराम से। नवरात्रे आ रही हैं, ये बाउल उसके लिए काफी बढ़िया आइटम है। तो नवरात्र आ रहा है, कोई प्लेट वलेट रखे कि नहीं आप? जरूर भैया रखे हुए। ये देखिए, ये तो छूट ही गया था। ये प्लेट मात्र 42 रूपए दर्जन, मतलब 3.5 रूपए का पड़ेगा, मात्र 3.5 रूपए का पड़ा। ले जाके 5 में बेचो, 10 में बेचो, ये सब तो पूरा सेट बिक जाता है, कंप्लीट। ये पूरा पूरा सेट बिक जाता है, ये 20 पीस 25 पीस, कितने पीस का? ये 24 पीस का आता है, 24 पीस। ये तो पूरा कंप्लीट बिक जाएगा, 24 पीस आता है 84 रूपए का, चाहे आप 150 का बेच दो, 160 का बेच दो। चम्मच भी रखे यहाँ तो? चम्मच भी है भैया। क्या रेट है चम्मच? भैया जैसे की छोटा चम्मच और ये छोटा कांटा, ठीक है, ये मात्र 3 रूपए का पीस, 36 रूपए दर्जन। 36 रूपए दर्जन, हाँ जी। वो बड़ा वाला? और अगर मैं बड़े की बात करूं, ये बड़े साइज में आएगा 38 रूपीज, 38 रूपए दर्जन। 38 रूपए, हल्का तो नहीं है बहुत? वैसे पीस आपके सामने ही है, है तो वेट तो है इसमें पूरा। बाकी देखिए, आपको डिजाइन बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें भी। और क्या दिखा रहे सर इसके बाद? ये साबुन वाला रखा हुआ, साबुन स्टैंड, जैसे कि ये देख सकते हो, इसमें 2 क्वालिटी आएंगी। एक ये सोप केस है, ये सेकंड की क्वालिटी में है, ठीक है, 36 रूपए दर्जन। मतलब जो है बता ही दीजिएगा, हाँ। सेकंड है तो सेकंड बताइए, फर्स्ट है तो फर्स्ट बताइए। ये है भैया, ये मिल्की की क्वालिटी का आता है, ठीक है, 38 रूपए दर्जन, 38 ओनली, 38 रूपए। 2 रूपए का फर्क है क्वालिटी में, सुप्रीम है जी, 2 रूपए में डबल क्वालिटी मिल रही है, सही बात है। बाकी सामने जो मांगना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करते क्या बेचता है। जैसे कि ये आइटम है मात्र 40 रूपए दर्जन, ये बंदे 10-10 रूपए पीस में बेच देते हैं जी। हम तो 5 रूपए में ही बताएंगे, लेकिन डिपेंड करता है सामने वाले पे भी, वो कैसा बंदा है, क्या माल बेच रहा है। सही बात है। जैसे ये 30 रूपए दर्जन, मात्र 30 रूपए दर्जन में, हाँ ये देखिए 30 रूपए दर्जन पड़ेगा, 2.5 रूपए पीस पड़ेगा। साबुन केस है, 5 का बेचिए, 10 का बेचिए। ये क्या रखे हुआ यहाँ पे, रबड़ है क्या? ये रबड़ है, ये हेयर में लगाने वाला, हाँ जी। क्या रेट है भैया? मात्र 25 रूपए दर्जन। डिजाइन तो बहुत लग रहा है, अलग अलग रेट है, सेम रेट है? सेम रेट आएगा, ये वाला भी 25 रूपए, इसमें 20 रूपए दर्जन भी है, इसमें 40 रूपए दर्जन भी है। दर्जन, हाँ जी। ये देखिए, जैसे ये देख सकते हो, ये फोम जूना आएगा, स्क्रबर, 30 रूपए दर्जन, 2.5 रूपए का पीस पड़ेगा। हाँ, मतलब इस टाइप का आइटम देख रहा, 2.5 का पड़ रहा है, 5 का बेचिए, 10 का बेचिए, जैसा मन करे आपको। ये देखिए, और ये जो नीचे में दिया हुआ जूना, ये सब हरा वाला, लूज वाला, ये क्या रेट है? ये भैया 3 रूपए पीस पड़ते हैं, 10 पीस का ब्रंच आता है। क्वालिटी सही रहता है भैया? इसी को मैं पैकिंग करके जो कि 60-60 रूपए में बाहर बेचते हैं, ऐसा होता है? हाँ जी, यही पैक होके। ये देखिए, मतलब लूजी वाला रहता है, अपने हिसाब से पैक करवा रहे थे, फिर महंगा बेचते हैं। ये देख सकते हो, ये थोड़ा हैवी में स्क्रबर आएगा। अंतर है क्या दोनों में? ये दोनों में भैया काफी अंतर है, आप खुद देख लीजिए, मतलब साइज और क्वालिटी का भी, थोड़ा साइज क्वालिटी मोटापा। ये देखिए थोड़ा सा, क्या रेट क्या इसका? इसका भैया 45 45, और पहले वाले का? पहले वाले का भैया 30 30। बाकी सही है, 5 का ये बेचना है तो ये भी बेच सकते हैं, 5 रूपए का, 5 रूपए में ये आराम से बेचिए, 10 रूपए में बेचिए, ट्रिपल से भी ज्यादा मुनाफा है। सही बात है। ये देखिए, और क्या दिखा रहे सर? जैसे कि गोल, ये गोल कंगा आता है, ये मार्केट में जो 50-55 रूपए दर्जन मिलता है जी जी, ये 10 की सेल में जाता है, क्योंकि मेरे पास हो 38 रूपए। तो इतना सस्ता कैसे दे देते हैं आप? यह खुद की डाइयां लगी हुई है, खुद से बनवाते हैं बंदों से माल, मतलब खुद का मैन्युफैक्चरिंग है या फिर हम क्वांटिटी में मिनिमम 6 दर्जन देते हैं कि हम रिटेल नहीं करते। काफी सारे बंदे रिटेल करते हैं, उल्टा सीधा दाम बेचते हैं जी जी, मतलब एक एक दर्जन नहीं देते आप? 6 हम एक एक दर्जन नहीं देते। हाँ, शॉप पर आके साथ में माल लेके जा रहा है तो बात एक अलग है। देखिए, शॉप में आइएगा, एक एक दर्जन करके मिक्स करके लीजिए, और जैसे बाय चांस अगर ये वाला 6 दर्जन लेते हो तो 6 दर्जन का कितना अमाउंट बनेगा? ये भी 38 × 6, मतलब कि एक वैरायटी भी लेते ना 250 रूपए में आपका हो जाएगा। अब जैसे यहाँ टोकरी रखा हुआ है, ये सब टोकरी क्या रेट है? टोकरी अगर आप कोई सा भी डिजाइन देख लो, 42 रूपए दर्जन मात्र, 42 रूपए दर्जन, 42 ओनली। ये देखिए 3.5 का पड़ेगा, आप देख सकते हैं टोकरी में भी बहुत सारे डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन है, ये देख सकते हैं। और क्या दिखा रहे? जैसे ये पत्ता जूना है, मात्र 36 रूपए दर्जन, 3 रूपए का पीस, 3 का। ये सब 10 का सेल होता है? ये 10 का सेल होता है, ये 10 का सेल होता है, पड़ता कितना? 3 रूपए का, मात्र 3 रूपए का।
और जो माल मतलब कि जो रेट बता रहे मिलेगा ना वही रेट मिलेगा, वही रेट मिलेगा। सामने वीडियो चला लो फिर माल निकालो। तो भी किसी को सामने में माल पैक करवाना तो करवा सकता है। हम माल सामने ही पैक करते हैं बंदे के जो शॉप पर आता है। मतलब देखिए वो आपकी इच्छा है, बाकी एक बार आइए देखिए यहाँ पे। अब बाकी सामने ग्राहक की इच्छा है, हम तो उनके सामने ही माल पैक कर देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बंदा हमको बोले कि भाई 200 दर्जन कोई आइटम चाहिए, हैंड टू हैंड देंगे। हैंड टू हैंड वाला काम है, हैंड टू हैंड वाला। ऐसा नहीं है कि अभी भैया जाओ बाद में आना, अभी जाओ बाद में आना, पैसे दे जाओ, ये कर दो, वो काम नहीं है। हम माल लो, देखो गिन लो यहीं पे, हैंड टू हैंड स्टॉक बहुत रखा हुआ है यहाँ पे। बाकी ये देखिए, ये क्या, ये स्टील वाला जूना है, ये भी लोहे का आएगा, लोहे का। ये भी लोहे का जूना आता है, ये भी 36 रुपए दर्जन आएगा, लेकिन ये हैवी क्वालिटी में होता है, हैवी में। हाँ, ये भी बर्तन वर्तन धोने के लिए, बर्तन वर्तन धोने के लिए। अब जैसे ये सब दिखा दीजिए और कुछ, जैसे कि ये मग्गा है। मग कितने से स्टार्ट है अपने पास? भैया मग वैसे तो हमारे पास है 44 रुपीज दर्जन से, दर्जन में। वो 5 की सेल में आता है, लेकिन ज्यादातर चलता है ये वाला मग, 10 रुपए में ज्यादा बिकता है। क्वालिटी रहता है कैसा, फ्रेश का रहता है भैया? बिल्कुल मिल्की क्वालिटी का आएगा। मार्केट में यही मग्गा 72-75 रुपए बंदे बेचते हैं। गिरेगा तो टूटेगा तो नहीं? नहीं, एक बार दिखाइएगा, ये देखो, मतलब टूटेगा नहीं, अगर गिर भी जाएगा तो। यही मग्गा बाहर बंदे 72-75 रुपए में बेचते हैं। और आप कितने का दे रहे हैं? 63। ये देखिए ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये बार रेट, तो रेट का आपको अच्छा डिफरेंस मिलेगा। हाँ, जेन्युइन रेट में, जेन्युइन प्राइस में, फेक वाला नहीं कि 2 रुपए 3 रुपए बता रहे वो वाला रेट में नहीं। बाकी आप देख सकते हैं ब्रश स्टैंड, मल्टीपर्पज है, एज अ पेन स्टैंड इस्तेमाल करो, पेस्ट स्टैंड इस्तेमाल करो, स्पून स्टैंड इस्तेमाल करो, मल्टीपर्पज। मतलब ये तो बहुत जगह यूज हो जाता है, बहुत जगह। क्या रेट क्या है इसका? मार्केट की बात करूं 66 रुपए 72 रुपए, मैं अपनी बात बोलूं तो 60 रुपए। 60 रुपए? हाँ जी। ये देखिए डिफरेंस मिलेगा आपको हर एक चीज में मिलेगा। ये आप सोप केस देख सकते हो, ये हैंगिंग सोप केस आता है, वो भी हैंगिंग वाला था लेकिन वो दूसरा डिजाइन था। वो दूसरा डिजाइन थी, दूसरा डिजाइन है। ये 10 रुपए पीस बिक जाता है मार्केट, 10 रुपए पीस बिकता है। प्राइस रेंज की बात करूं मात्र 40 रुपए दर्जन। ये देखिए, मतलब कि डबल, एक होता है ना डबल, आम बात है, अगर आप जैसे एक एवरेज निकाल के सेल करते है ना तो समझिए अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट आएगा। अब ये चाय छन्नी कौन सा है? ये भैया डबल जाली के अंदर छन्नी आती है, ये हैवी क्वालिटी के अंदर है। जी जी, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये 68 रुपए दर्जन आता है। 68 रुपए दर्जन? हाँ जी। ये देखिए, मतलब 10-20 रुपए तक का सेल हो सकता है, 10 रुपए या 20 रुपए जैसा मर्जी बेच दो। ये सब क्या है, मतलब कि फ्रेश में क्या? ये फ्रेश के अंदर है। क्या रेट है इसका? इसके देखिए शुरुआती प्राइस है 36 रुपए दर्जन से आता है। मैं आपको 36 वाली भी क्वालिटी दिखाऊंगा, मतलब 3-in-1 में दिखाइएगा क्या? 3-in-1 में ही ये देख सकते हो, मात्र 36 रुपए दर्जन। ये देखिए सिर्फ 36 रुपए दर्जन में मिल रहा है आपको, मात्र 60 रुपए दर्जन। 60 रुपए दर्जन, मात्र 84 रुपए दर्जन। वैरायटी बहुत रखे हैं, आप साइड से आगे पूरी क्वालिटी दिखा सकते हो तीनों में किस चीज का फर्क है। ये देखिए, मतलब 3-3 वैरायटी में आपको मिल जाएगा इनके पास, बाकी आपको जो लेना वो लीजिए अपने हिसाब से, जैसे बंदे का फिर मन करता है, जैसा लेना चाहे। मैं इसकी अब बात करूं ये कंटेनर की, ये जीरा रखने का कंटेनर आएगा, मात्र 28 रुपए दर्जन। ढक्कन कहाँ है इसका? इसका ढक्कन ऊपर है, और ढक्कन दिया हुआ है? हाँ, ढक्कन दिया हुआ है। ये पूरा कंटेनर है एक तरह से, ये हाँ, ये पूरा कंटेनर है। क्या प्राइस क्या इसका? मात्र 28 रुपए। 28 रुपए दर्जन बता रहे हैं। ये देखिए 28 रुपए दर्जन, लेकिन देखिए आपको 6 दर्जन लेना पड़ेगा। 6 दर्जन 28 रुपए का है दर्जन, 6 दर्जन लेते हैं 180 रुपए समथिंग में पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हम लोग और देखते हैं क्या दिखा रहे हैं। इसके ब्रश स्टैंड आप देख सकते हो, इसकी प्राइस रेंज की बात करूं मात्र 6 रुपए, सिर्फ 6 रुपए। हाँ जी। ये देखिए इसका शाइनिंग देखिए, चमक देखिए, फिनिशिंग देखिए, और क्वालिटी काफी अच्छा है। ये देखिए मार्केट में जो आपको ये 84 रुपए बेचते मिलेंगे, 78 रुपए 84 रुपए। जी जी। बोतल लगा के रखे हुए, गर्मी आ रहा है, क्या रेट दे रहे बोतल? भैया बोतल का पूरा मार्केट की गारंटी है, ये 10 की सेल में आती है। 10 रुपए का सेल कर देना, ये 10 रुपए की सेल करना है, 88 रुपए दर्जन होता है। मतलब ये वो वाला बोतल है ना जो आपको 10 रुपए का सेल में बेच देना, बेच के भी अच्छा कमा सकते हैं। बेच के भी अच्छा कमा, क्योंकि ये भैया क्वांटिटी उठती है एक दिन की। ये आपको मैं अभी भी ना भूल के ना बताऊं तो एक दिन का मेरे पास इसका कम से कम 100-200 दर्जन का ऑर्डर आता है। इतना सेल है इसका, इतना सेल है, ये इतनी बिकती है। एक बार फिर से रिपीट किया, प्राइस क्या बताएं इसका? 88 रुपए दर्जन है, इसमें आपको ये लगेगा कि मुनाफा कम है, और जिससे कोई भी लेगा सेल ज्यादा है। जिससे कोई भी लेगा ना इसमें 12 पीस ले लेता है सीधा, 12 पीस ऐसे लेते, ऐसे लेते, इसमें कोई सिंगल पीस ज्यादा नहीं बिकते। सही बात है, सीधा पैकेट बिकता है। बड़ा बोतल भी है इसके ऊपर अगर मैं जाऊँ तो आप ये देख सकते हो डिजाइन,
डिजाइन कितने मिल जाते होंगे भैया? आप डिजाइन देखना चाहते हो तो ऊपर दिखा दो भैया, एक बार स्टॉक आप देख लीजिए। ये सारा डिजाइन ही, अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग वैरायटी है। आप इधर भी देख सकते हैं, एक बार यहाँ भी देखिए। तो प्राइस सेम अलग अलग है भैया? प्राइस सेम है, 165 रुपए दर्जन नॉर्मल कैप। और कोई डायमंड कैप लेता है कि जिसकी थोड़ी कैप फैंसी जो कैप आती है जी, वो 180 रुपए दर्जन। पीस हो गया अपना वही 15 रुपए का, 15 रुपए का, 13 रुपए 75 पैसे, 15 रुपए, 1.5 रुपए जो खर्चा होता है कैप का होता है, कैप फैंसी होती है। सही बात है, मतलब कि जो कैप लीजिएगा तो कैप में तो पैसा लगता ही है। हाँ, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये स्कूल के बच्चों की बॉटल है जो कि बैग में साथ में लटकाते हैं जी, मात्र 14 रुपए। 14 रुपए में इस टाइप का फैंसी बोतल मिलेगा, सारा फैंसी बोतल मिलेगा। अब देखिए वहां पे दिखाए थे आपको बर्ड्स, यहाँ पे रखा हुआ, स्टॉक का कोई कमी नहीं है इनके पास। पीछे दिखा सकते हैं, यहाँ पे सन देखे थे वो वाला, यहाँ पे देखिए वैरायटी बहुत है इनके पास। और दिखाई सर, और क्या दिखा रहा है? जैसे कि अब आप ये लूफा देख सकते हो, ये जूना नहाने वाला, ये वही वाला जो बहुत सॉफ्ट रहता है, मक्खन के बिल्कुल मक्खन की तरह, मात्र 60 रुपए दर्जन। 5 रुपए का पीस 10 में बेचो, ये देखिए 5 का लो 10 का सेल कर दो, 25 रुपए दर्जन। वही वाला है ना जो बता, 2 रुपए 10 पैसे। ये देखिए 25 वाला भी है, 30 वाला भी है, जैसा आपको लगे। 2 रुपए 10 पैसे, 2.5 रुपए भी मिलेगा, फिर 3 रुपए भी मिलेगा, 3 रुपए मिल जाएगा, 5 रुपए आएगा, 5 रुपए मतलब देख रहे हैं इसमें भी आपको बहुत सारे वैरायटी पूरी आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अगरबत्ती स्टैंड चाहिए, ज्योत वाला चाहिए, सब कुछ मिलेगा। प्राइस तो वही है, अगरबत्ती स्टैंड जो की आता है वो आता है 44 रुपए दर्जन, ज्योत स्टैंड जो आता है जिसमें दिया जलाया जाता है वो आता है 40 रुपए दर्जन जी, जी। छोटे साइज में शुरुआत है, जिसकी ये बड़ा साइज है हाँ। तो ये 6.5 रुपए का आता है, 78 रुपए दर्जन। मतलब 10 का बेच देंगे तो भी लॉस नहीं है, तब भी लॉस नहीं है जी। 10 की सेल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, माल मिक्स होके बिकता है। सही बात, मैंने अभी आपको आइटम दिखाई 40 रुपए दर्जन वाली भी जो 120 में जाएगी जी, लेकिन काफी सारी आइटम है वो भी जो 80 रुपए दर्जन की है वो भी 120 में जाएगी। सही बात है, ये देखिए जैसे कि आप ये देख सकते हो टोकरी रखा हुआ, ये टोकरी आएगी काफी अच्छी क्वालिटी में। प्राइस रेंज की बात करूं 68 रुपए दर्जन, मात्र 68 रुपए दर्जन, 68 ओनली। मतलब देखिए मात्र 68 रुपए दर्जन पड़ रहा है, कितने का पड़ गया ये अपना? आपको 5.60 रुपए का, ये देखिए मात्र 5.60 रुपए का पड़ेगा, 10 रुपए का आराम से सेल कीजिए। और डिजाइन तो मिलेगा ना उसमें, काफी डिजाइन मिलेंगे। और ये सब टोकरी रखा हुआ क्या रेट है? जैसे कि ये चकोर में आ गई, ये आएगी 78 की, ये देखिए 6.5 रुपए मात्र। अगर मैं इसका बड़ा साइज बोलूं कि जैसे काफी सारे बंदे थे, ये तो सेल के लिए है जी जी, काफी सारे बंदे होते हैं ये कि माल दे दिया छाटने के लिए, ये छाटने की भैया ग्राहक को पकड़ा दे जो डालना इसमें डालो जी जी, ये बिल्कुल फ्रेश की क्वालिटी की है, ये 162 रुपए दर्जन मात्र, 162 रुपए। हाँ, ये माल टूटेगा भी नहीं। जिसके आप ये देख सकते मात्र 80 रुपए दर्जन, 80 रुपए दर्जन। में मार्केट में जाऊंगे 84 रुपए 88 रुपए, मेरे पास 80 रुपए। देखिए एक एक करके कुछ कुछ सैंपल दिखा दे रहे हैं, वैरायटी बहुत है, सारा कवर नहीं हो पाता। शॉप में विजिट कीजिए, कैटलॉग कैटलॉग भेजते हैं क्या? कैटलॉग मिलती है भैया, वीडियो कॉल भी होता है, वीडियो कॉल भी होता है, फैसिलिटी सब मिलेगा, सब मिलेगा। कैटलॉग का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, कैटलॉग का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, वीडियो कॉल का होता है वो भी पैसा, ये नहीं की वीडियो कॉल पेड है, मतलब खा नहीं जाते पैसा, वो बिल में लेस हो जाता है, वो 200 रुपए लेस हो जाता है जी जी। अब जैसे यहाँ पे देखिए कप मिल जाएगा आपको, कप क्या रेट है सर? भैया कप 84 रुपए दर्जन, डिजाइन बहुत है, 84 84, ठीक है। जैसे आप ये जार देख सकते हो, ये मैं ऑन कैमरा मार्केट की गारंटी से बोल रहा हूँ, मार्केट में चले जाओ 84 88 रुपए से कम नहीं है। और मेरे पास 78 रुपए दर्जन, 78 78 रुपए दर्जन में सेल करते रहे, ये सप्लाई प्राइस है जो मार्केट में सदर बाजार की मार्केट में रेट सप्लाई होता है। तो आप जैसे यहाँ पे ये क्या रखा हुआ, राई रखा हुआ है? ये मदानी है भैया, ये देखिए मदानी, ये 10 की सेल की मदानी है, मात्र 52 रुपए दर्जन, 52 52 रुपए दर्जन। जैसे कि आप ये जार देख सकते हो, कमाने वाला आइटम है खाली। हाँ जी, ये जार आएगा चम्मच के साथ, चम्मच के साथ है ये, चम्मच के साथ है। इसकी प्राइस रेंज की बात करें 84 रुपए दर्जन है, मेरे को लगा 20 का सेल मिल जाएगा, लगता है 10 में भी बेच सकते हैं, 10 पे बंदा बेच दे 7 रुपए का पड़ रहा है। अब ये क्या रखा हुआ? ये सब ये भी आटा छन्नी है, आटा छन्नी देखिए, मार्केट में जाओ 66 रुपए 63 रुपए, मेरे पास आओ 56 रुपए 56 रुपए दर्जन में दे रहा दर्जन में। ये देखिए मात्र आटा छन्नी मिल रहा है ना, 5 रुपए से कम में मिल रहा है, 10 रुपए का सेल कर दीजिए आप। हाँ जी, और दिखाइए सर, ये क्या रखा हुआ? मग है क्या छोटा छोटा? ये भैया मग आएगा, ये भैया चाहे एज अ ड्रम में इस्तेमाल हो जाता है, ड्रम से आटा निकालने में, बच्चों के खेलने में, मात्र 28 रुपए दर्जन, 28 रुपए। हाँ जी, जैसे कि ये आएगा डस्ट पैन, ये थोड़ी बढ़िया क्वालिटी में आएगा, ये देखिए मात्र 72 रुपए दर्जन, 6 रुपए का पीस, 10 रुपए का सेल कीजिए, 10 रुपए का सेल करिए।
तो 10,000 में मिक्स हो जाता है ना आइटम थोड़ा थोड़ा। 10,000 में माल मिक्स हो जाता है थोड़ा थोड़ा, मतलब मेल बन जाए, मेल तो बन जाएगा। हाँ 10,000 में बंदे का मेल बन जाएगा, लेकिन अगर बंदे को हर आइटम चाहिए बिल्कुल डबड़िया में कि अच्छे से लगे, फिर वो बंदे के बजट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब 10 से 15,000 में स्टार्ट हो ही जाता है मिक्स करके सारा आइटम। जैसे कि ये कटोरी है, जैसे एक उससे पहले हम लोग ये देख ले, ये क्या प्राइस है? ये भी 84 रुपए दर्जन है। ये पिलर और ग्रेटर दोनों है इसके, इसमें 2-in-1 है, ये 2-in-1 है, ये 84 रुपए दर्जन। 84 रुपए दर्जन। जैसे की ये बाउल है मात्र 78 रुपए दर्जन। ये तो वो वाला चीज है जो टूटता नहीं है, गिरने टूटता ही नहीं है। ये देखिए बॉल की तरह आएगा ऊपर, बॉल की तरह जितना भी पटक दो टूटेगा नहीं ये चीज। ये देखिए क्या प्राइस क्या बताए? मात्र 78 रुपए, 6.5 रुपए का पीस। इसी के अंदर आपको प्लेट भी मिल जाएगी। प्लेट भी है? हाँ जी, मतलब इसका पूरा पहले ग्लास आता था सिर्फ, अब प्लेट आने लगा, ग्लास आने लगा, कटोरी आने लगा, सब कुछ आने लगा। प्लेट मात्र 7 रुपए पीस। डिजाइन तो काफी अच्छा लग रहा है, ये देखने में कांच की तरह है लेकिन है ये प्लास्टिक की। ये भी वही चीज है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए गिरा टूटेगा नहीं ये। हाँ, ये चीज सही होता है ये सब। और कलर भी मिलते हैं क्या इसमें? इसमें कलर भी होते हैं। ये सस्ते रेट में मिक्स वैरायटी है, सस्ते रेट में अच्छी क्वालिटी जी। अभी तक अभी बहुत सेल होगा ये नवरात्रे में, ये सब बहुत आइटम इसकी सेल में है। ये मग का क्या रेट है ये सब? जैसे कि ये मग्गा है, ये मग्गा है 44 रुपए दर्जन जो मैंने बताया। ठीक है, मतलब स्टॉक रखे हुए भरपूर, एकदम भरपूर स्टॉक है, बंदा आए आके माल लेके जाए। ये सब खिलौने, ये सब क्या रेट है सर? खिलौने भी हम 55 रुपए दर्जन। दर्जन भी दे रहे 55 में? 55 रुपए दर्जन। मतलब देखिए सब आपको ट्रक मिल रहा है, कितने का पड़ गया? मात्र 5 रुपए से भी कम पड़ रहा है, 5 रुपए से भी कम। खिलौने में भी बहुत वैरायटी इनके पास। जैसे ये इसका क्या प्राइस है सर? ये छनकन आएगा मात्र 60 रुपए दर्जन। 5 के लिए 10 का भेज दीजिए। हाँ जी, मात्र 72 रुपए दर्जन। मतलब दो सेल लगा सकते हैं, 5 का और 10 का, है ना? 5 का 10 का दोनों सेल लगा सकते हो आप मेरे से जुड़ते हो तो। ये खिलौने वाला ब्रश है जो, ये वाला, ये सब क्या रेट है? 55 रुपए दर्जन। 55 रुपए में अभी ये भी बहुत सेल होगा। नींबू वाला, नींबू निचोड़ा जाएगा ना इससे? हाँ भैया पूरा निचोड़ा जाएगा, 84 रुपए दर्जन मात्र दाम। 84 रुपए दर्जन में कलरफुल मिल रहा है। ये देखिए और क्या दिखा रहे सर? जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये शीशा मिलेगा। कपड़ा ब्रश भी रखते हैं क्या आप लोग? कपड़ा ब्रश भी रखते हैं। क्या रेट देते हैं? कपड़ा ब्रश भी है 68 रुपीज, 118 जी। डिपेंड करता है बंदा कौन सी क्वालिटी पे ले रहा है, शुरुआत 68 रुपीज से। बाकी ये देखिए और अगर आपको बड़ा बड़ा आइटम चाहिए ना, इनका एक शॉप और भी है, एक ब्रांच और भी है। कहाँ पे? वो भी सदर बाजार में लोकेट करती है, रुई मंडी के अंदर। रुई मंडी में वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो 100 का 200 का 500 का सेल लगाना ना, वो सारा माल मिलेगा, सारा आम माल मिल जाता है। हाँ, मतलब एक ही छत के नीचे है ना, आपको बहुत सारे वैरायटी मिल जाते हैं। छोटे छोटे खिलौने चाहिए ना, क्या रेट है सर? ये मात्र 30 रुपए दर्जन, कोई सा भी लो। 2.5 रुपए पीस पड़ेगा, 5 रुपए बेचिए। ये देखिए गली मोहल्ला में बहुत सेल होता है ये सब। ये भी जा रहे क्या? ये भी मात्र 40 रुपए दर्जन। 40 रुपए दर्जन। बच्चे का ब्रश क्या रेट? 27 रुपए दर्जन। 27 रुपए दर्जन में। ये देखिए 27 रुपए। बड़े का क्या रेट है? 36 रुपए दर्जन। 36 रुपए बड़े का? 36 रुपए बड़े का, 36 रुपए 3 रुपए पीस। 3 रुपए पीस पड़ेगा। ये सब हैंगर क्या रेट है? हैंगर भी है 56 रुपए दर्जन। ये 10 पीस का पैकेट आता है 56 रुपए में, 10 पीस 60 पैसे पड़ता है। ये देखिए चीज सही होता है ना ये सब? एकदम भी हैवी, ये अंदर लोहे से ऊपर रबड़ की कोटिंग है। ओके देखिए चीज सही रहता है। बाकी आप यहाँ पे देखिए ये सब क्या रेट है? ये बाजा आएगा, ये भी बाजा आएगा मात्र 30 रुपए दर्जन। 30 रुपए दर्जन। देखिए वैरायटी बहुत है, कलेक्शन बहुत है। एक बार आप आइए शॉप में, विजिट कीजिए, देखिए प्राइस क्या है। प्राइस आपको जो यहाँ पे मिल जाएगा ना, जो जेन्युइन प्राइस होता है वही मिलेगा। ये फेक वाला प्राइस नहीं है, फेक वाला प्राइस कुछ भी नहीं है, जो बता दिए बस उस रेट में आपको मिलना है। बाकी इनका कमेंट देखिए जाके, और भी वीडियो डला हुआ है, काफी अच्छा कमेंट आता है। एक बार शॉप में विजिट कीजिए। ऑनलाइन ऑर्डर करना, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। सर एक बार अपने शॉप का नाम एड्रेस बता दीजिए। शॉप का नाम अंजली प्लास्टिक्स, जो कि ये लोकेट करते हैं सदर बाजार में। ये हमारी सेकंड ब्रांच है, बहादुरगढ़ रोड महावीर गली। ओके आप कहीं पर भी हो, सदर बाजार में हो, तो किसी से पहले बहादुरगढ़ रोड पूछो। बहादुरगढ़ रोड जब आप पहुंच जाओ, फिर किसी ही महावीर गली पूछ लेना। ओके बहादुरगढ़ रोड पे ही महावीर गली आती है। जब महावीर गली पहुंच जाओ, आप हमें कॉल कर दो, व्हाट्सएप कॉलिंग करना या लैंडलाइन में कॉल करना जी। देखिए व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, फिर लैंडलाइन में कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो कोई मेट्रो से आना चाहते हैं, मेट्रो कौन सा नजदीक होगा? दोनों ही पास में, चाहे पुलबंगश में उतर जाए, चाहे 30,000 उतर जाए। और रेलवे स्टेशन भी अपना बगल में? नहीं, न्यू दिल्ली रेलवे, पुरानी दिल्ली या सदर बाजार। तो एक बार आइए शॉप में, विजिट कीजिए, देखिए यहाँ पे काफी अच्छा अच्छा वैरायटी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू भैया, धन्यवाद।